आपने कभी न कभी इंजेक्शन तो जरूर लगवाया ही होगा। जब भी हम बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर हमें दवाई के साथ साथ कई बार इंजेक्शन भी लगाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर गलती से भी पानी से भरा इंजेक्शन लगा दिया जाए तो उसका रिजल्ट क्या होगा? क्या ऐसा करने से इंसान की मौत भी हो सकती है? तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा करने से आखिर क्या होगा। अक्सर हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर हमें इंजेक्शन देते हैं, लेकिन अक्सर कई बार बीमारियों में डॉक्टर नसों में मेडिसिन पहुँचाने के लिए इंजेक्शन में मेडिसिन और पानी दोनों को ही भरकर लगाते हैं। लेकिन क्या ये जो पानी होता है वो स्टेराइल वाटर होता है? यानी कि ये वो पानी होता है जिसमें मौजूद छोटे से भी छोटे बैक्टीरिया खत्म करके और हर तरह की गंदगी को निकाल कर दिया जाता है और तब जाकर उसे नसों में लगाया जाता है। लेकिन अगर गलती से भी नल का पानी या फिर फिल्टर का पानी हुआ तो पानी इंजेक्शन के जरिए नसों में लगा दिया जाए तो क्या होगा? नल का पानी या फिर फिल्टर किया हुआ पानी इंजेक्शन के द्वारा नसों में भेजने का मतलब हुआ कि हमें सीधे बैक्टीरिया को हमारे ब्लड यानी कि खून में भेज रहे हैं, जिस कारण आपको कई तरह की खतरनाक बीमारियां और इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा इस पानी को काफी ज्यादा मात्रा में इंजेक्ट किया जाता है तो ऐसा करने से ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इस कारण उसे पंप करने में दिल को काफी परेशानी होने लगेगी और जिससे हार्ट अटैक आने का खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हम शरीर में साधारण पानी इंजेक्ट कर रहे हैं तो इस वजह से हम ब्लड प्रेशर के बैलेंस को भी बिगाड़ देंगे। इसी कारण हमारे ब्लड सेल्स धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा तो ऐसे में हमारी इम्यूनिटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और इंसानी शरीर बेकार हो जाएगा। तो अब आप अच्छे से जान गए हो कि अगर पानी से भरा इंजेक्शन शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा।